कहते हैं ना कि आप अपने मित्रों का परिचय बताइए, हम आपकी कुंडली निकाल देंगे जीवन की। बोलते हैं ना कि आप अपने दोस्तों का नाम बताइए, आपके जीवन की कुंडली निकल जाएगी, क्योंकि आपके दोस्त जैसे होंगे आप ही वैसे हो, आप भी वैसे ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि आप कोयले की खदान में घुस करके और आप साफ सुथरा निकल जाएंगे, कदापि नहीं हो सकता। अगर आप कोयले की खान में गए हैं तो कहीं ना कहीं आपको कालिक लगी जाएगी। इसलिए अपने संग को बचा करके रखिए। आपको कैसा बनना है वैसे संगति आपको करनी पड़ेगी। अब आप गांजा पीने वालों के साथ दिन भर घूमेंगे तो कब तक बचे रहेंगे बताओ? आप सुरती गुटखा खाने वालों के साथ दिन भर रहेंगे तो कब तक बचे रहेंगे? अब दारू मुर्गा वालों के पास आप रहेंगे तो कब तक बचे रहेंगे? आप बताइए, नहीं बच पाएंगे। आज नहीं तो कल आपको दोस्ती निभाना ही पड़ेगा। एक बार एक लड़का आया हमारे पास, बड़ा बेचारा परेशान था। तो हम कहे देखो भाई, भजन करने के लिए तो तुमको देखो दारू वगैरह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का तो फैशन हो गया बच्चों का, बिना दारू पिए तो उनका काम ही नहीं चलता। तो बोला गुरुजी अब नहीं पिएंगे। संकल्प ले लिया गंगा जल लेकर के गया। मित्र तो वैसे ही सबरे भूत। एक दिन उसके मित्र मिल गए कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं भोजन पानी करने गए। वो बोला भैया देखो तुम लोग पियो, हम नहीं पिएंगे, हमने छोड़ दिया। बोले अरे थोड़ा सा लेने में क्या होता है? बोला ना हम बिल्कुल कतई नहीं लेंगे। बोला ले लो नहीं दोस्ती टूट जाएगी। बोले कोई बात नहीं, दोस्ती अगर टूट जाती है तो टूटने दो, लेकिन हम अपना संकल्प नहीं तोड़ेंगे। जब दोस्तों ने देखा कि एकदम दृढ़ हो गया, अब ये पिएगा नहीं एक भी घूंट, तो उसके दोस्त और शराब में डूबा करके बोला अपनी जिह्वा से स्पर्श करा लो, दोस्ती बच जाएगी। ऐसे दोस्त हैं कि दोस्ती रखने के लिए तुम केवल माचिस की तीली आप दारू में डूबो करके जिह्वा पे रख लो, हम मान लेंगे कि दोस्ती बच गई। ऐसे लोगों के साथ आप बताओ कैसे बच पाओगे? इसीलिए सुखदेव गोस्वामी बड़ा जोर दिए। किस पर? संग पर बहुत जोर दिए, क्योंकि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात। जीवन में आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं, बहुत लोग हम लोग जाते हैं कहीं तो कहते हैं महाराज अब उनके साथ रहते हैं तो थोड़ा धंधा पानी चलता है। जैसे दो चार ठो अपने यहां नेता हैं, वो जो छोट मोट टटपुजिया जो नेता बन रहे हैं वो कहते हैं थोड़ा उनके साथ रहते हैं तो थोड़ा काम हमारा निकल जाता है। उनके साथ रह के काम निकलेगा नहीं, तुम बर्बाद हो जाओगे, वो तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हमें अपने पहले मित्रता पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो गलत लोग हैं उनसे चाहे हमें लाखों का फायदा हो, चाहे लाखों का फायदा हो, कतई नहीं जाती। हम दो रुपए में ही सरकार रहेंगे, लेकिन ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है। ऐसे लोगों की संगति से सदैव बचना है, चाहे जितने का लाभ हो जाए। आप जानते हो अगर चरित्र बिगड़ गया ना तो अरबों खरबों लगा करके भी चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। यह बात ध्यान रखना। आप सोचते हैं कि चरित्र बिगाड़ करके थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, जिंदगी भर की कमाई झोंक दोगे, एक बार अगर बिगड़ गया जीवन ना तो दोबारा सुधर नहीं पाएगा। एक बार इज्जत चली जाए, कुछ दाग लग जाए तो जीवन भर वो मिटता नहीं है सरकार, जीवन भर नहीं मिटता। इसलिए बहुत अपने आप को कंट्रोल रखो। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भी बहुत जोर दिए इस शब्द पर, जीत संगो, एकदम असंग हो जाओ, एकदम असंग हो जाओ। अब जानते हैं काजू कितना रुपए किलो है? आप लोग तो लाते होंगे अपने घर में, कितना है बताइए, कोई बताइए। अब देखो हम तो नहीं खरीदते तो हमको नहीं पता है, आप लोग तो जानते हैं कितना, 700। चलो हम और 800 मान लेते हैं, नहीं तो चलो हम और कमी मान लेते हैं, 500 मान लेते हैं। लेकिन जो पॉलीथीन होती है वो कितना रुपए किलो है?
पॉलीथीन जिसमें आलू भांटा तौलवाते हैं, आप कितना रुपए किलो है? 100 रुपए हम मानते हैं, 100 रुपए है नहीं लेकिन 100 रुपए मानते हैं, 100 रुपए मान लिया। 500 रुपए केजी का काजू 100 रुपए किलो वाली पन्नी में भर करके तराजू पे तौला जाता है तो वो पन्नी कितना रुपए किलो बिकी? प्लास्टिक के डब्बा में काजू की बर्फी तौली जाती है तो वो प्लास्टिक का, अरे कागज का डब्बा कितने रुपए किलो गया? काजू के दाम में गया कि नहीं? 500 रुपए किलो का काजू पन्नी में भर करके तराजू पे रखा जाता है वो पन्नी कितने रुपए किलो गई? 500 रुपए किलो। क्यों? क्योंकि उस काजू ने, उस पॉलीथीन ने किसका संग किया था? काजू का। 500 रुपए किलो बिक गई। वही 100 रुपए किलो की पॉलीथीन में 5 रुपया किलो की आलू भर करके बेचा जाता है तो पन्नी कितने रुपए किलो बिकती है? 5 रुपए किलो। क्यों? उसने किसका संग किया? आलू। जैसी आप संगत करेंगे वैसा दाम में आप बिक जाएंगे। संतों की संगति करेंगे तो संतों को जो गति होती है वो मिल जाएगी आप। और ऐसे जो पतित लोग हैं ऐसों का संग करेंगे तो उसी दाम में एक दिन आप भी तौले जाएंगे। बोले ना कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, तुम कितना वो अच्छे रहोगे ना, उसी में पीस जाओगे, उसी में चले जाओगे। इसलिए संग पे बहुत जोर दिया गया। जीवन में आपके कोई नहीं है, बहुत सुखी हैं, लेकिन एक ही दो लोग हैं, लेकिन ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। क्योंकि जो जिनके पीछे आप टहलते हैं ना, एक दिन रात को फोन करिए कि हमारे पड़ोसी हमको घेर लिए हैं, थोड़ा आ जाओ, वो फोन स्विच ऑफ करके सो जाएगा। हाँ, ऐसे ही लोग हैं ये। इसलिए एक ही आपका मित्र हो, एक ही के साथ उठना बैठना हो, लेकिन वो व्यक्ति ईमानदार हो, व्यक्ति हृदय का पवित्र हो। हमारा हृदय दूषित क्यों होता है? हमारा हृदय, एक बच्चा इस संसार में आता है एकदम कोरा कागज लेकर के आता है, कोरा हृदय लेकर के आता है, उसके हृदय में छल कपट भर जाता है, वो द्वेष से भर जाता है। क्यों? जैसा खाता है वैसा होता चला जाता है। तो ये गंदी चीजें खाने वाले, मैं एकदम परफेक्ट बता रहा हूं, ये जान लो 100%, अगर कोई काट देगा तो मैं कथा करना बंद कर दूंगा, इतना गारंटी से कहता हूं। ये गंदी चीज खाने वाले आपके साथ कभी ना कभी धोखा दे देंगे, निश्चित देंगे आपको, आज चाहे कल, कल चाहे 2 साल 5 साल बाद आपको धोखा देंगे। लेकिन जिसका हृदय बहुत पवित्र है वो तो धोखा देते समय भी हाथ पैर कांपता है बेचारे का, हाथ पैर कांपता है उसका। इसलिए पवित्र हृदय वालों के साथ उठना बैठना रहना हो, पैसे के लाभ लोभ में आकर के ये सब काम नहीं करना चाहिए कि पैसे का लोभ है इसलिए फलाना के साथ रहते हैं, नहीं, कतई नहीं।